Thank you, Sanjay. That was indeed very, very insightful and really learned quite a few things from you. Some people have typed in their questions in the chat box. So I'll take those first. And so Chintan is asking, what, in your opinion, are the fields for a VI to become successful entrepreneur? Any specific areas that they should explore entrepreneurship in? That's the question. So, Chintan, one has to first see as to what is your domain expertise. आपने जो पढ़ाई करी है वो किस विधा में करी है, किस फील्ड में आपकी एकेडमिक स्ट्रक्चर जो आपका रहा है वो किस फील्ड में रहा है. ऑल्सो यू हैव टू सी विच एवर बिजनेस यू वॉन्ट टू एंटर. यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. जैसे मैंने आपसे कहा कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, अगर आप किसी बिजनेस में, किसी एंटरप्राइज में, किसी शॉप में, किसी कंपनी को आप कांटेक्ट करते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो आपको अगर उनको पूरी जानकारी होगी, वो अच्छी तरीके से आपको जो आपको चाहिए वो चीज़ दे पाएंगे, तभी आप उनके पास जाएंगे. तो आप जो भी काम, जिस भी एवेन्यू ऑफ बिजनेस में जाना चाहें, तो पहले आपको उसका कुछ ना कुछ एक्सपोजर, एक्सपर्टीज होनी चाहिए. ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी स्पेसिफिक बिजनेस या कौन सा एंटरप्राइज डोमेन आप सिलेक्ट करें, बट आपको ये चीज़ देखनी है कि जो भी काम आप करें, एक तो कंपटीशन को आपको पहले एनालाइज करना है. ट्राई टू फिगर आउट बिजनेसेस वेयर द कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इज नॉट वेरी लार्ज. कोशिश ये करें कि जो भी काम आप प्रारंभ करें उसमें आपको नॉलेज हो, और केवल प्रिजम्पशन या एजम्पशन के बेसिस पे कोई काम स्टार्ट ना करें. आजकल ऐप डेवलपमेंट, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप थोड़ा सा अगर टेक्नोलॉजिकली सैवी हैं या टेक्नोलॉजिकली अवेयर हैं, तो बहुत सारी विधाएं ऐसी हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, वेयर देर इज नॉट टू मच कैपिटल रिक्वायर्ड, बट ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत उसमें चाहिए. तो कंप्यूटर कोडिंग अगर आप सीखते हैं, और आजकल ऐप डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, मतलब कंसल्टिंग है, तो आप ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करें जहाँ पे आपकी पर्सनल ब्रिलियंस या आपके अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी आप डेवलप कर पाएं, और फिर उसको आप आगे ग्रो करें. Sanjay, I think Chintan has also asked if there's any specific training one can take for entrepreneurship. सो श्रुति, ऑफ कोर्स देर आर यू नो इन टुडेज डे एंड एज ट्रेनिंग्स तो बहुत हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं क्या, किस स्ट्रीम में या किस बिजनेस एरिया में अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ. और फिर वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दैट, उसके बाद यदि आप ट्रेनिंग लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ऐसा कोई ऑल इन वन ट्रेनिंग तो होती नहीं है. जो लोग 2 साल का मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए प्रोग्राम करते हैं, वो भी किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में करते हैं, और उससे भी उनको कोई जाके बिजनेस खोलने की जानकारी मिलती है. तो पहले आइडेंटिफाई करें कि मैं किस काम में जाना चाहता हूँ, और फिर उस डोमेन की ट्रेनिंग आप लें. Yeah, and what I understood from your story, Sanjay, is that you picked travel as a domain, and in the first 2 to 3 years, I think what you actually did was to actually gain experience and gather information and establish your contacts before you actually got into the information, which is exposure, experience, and expertise. And I think to start business, you have to be on top of what you're doing. And for that, you need to gather that information. So this whole idea of mujhe business start karna hai, and then putting money into something and then starting without knowing anything, you'll be in trouble. So I think taking your story, I think the first step is to kind of read up and understand and gain as much experience as possible, knowledge as possible in the specific business you want to do. So if you are into some kind of trading of
say jewelry, then I think you need to know about jewelry. You were into travel, so you kind of got your insights into travel. So maybe you can get on to the next question, Shruti. Yeah, Shantan has a question. Go ahead, please, ask your question. Okay, firstly, this is a very good session for us. My name is Shayantan Banerjee. Hello. Good evening, Mr. Banerjee. Yeah, can you hear me properly? Yes. Yeah, okay. So I am right now in school teacher. So I started a travel business right now. So what was the need for them? I am staying in Calcutta. So I want to know what is your email ID and I want to contact you after the webinar end. So let me know, please. Sure. So you can reach me on Sanjay Dang, spelled SanjayDang. Yeah. Just a minute. Sure. Can you repeat this, please? Yeah. So it's my name. Yeah. SanjayDang. D for Delhi, A for Agra, N for Nagpur, Gwalior. Yeah. Sanjay Dang at L for London, E for England, travelworld.com, or maybe it's simpler to send it to me on sanjaydang@gmail.com. Okay, and my another question is, suppose someone, a blind person, completed a graduation, so they think about starting a travel business in Calcutta, in Bengal, because the Bengal is a more, kya hota hai, Bengal mein bahut sare travel destination hai, Bengal mein bahut sare kaam abhi bhi baki hai. लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, विजुअली इम्पेयर्ड कोई भी नहीं है, तो बंगाल में मुझे लगता है कि आपको, क्योंकि बंगाल में बंगालीज बाय नेचर आर बॉर्न ट्रैवलर्स, वो सारे जीवन वो कि उनका यू नो, आई फाइंड दैट माय मोस्ट रेगुलर कस्टमर्स आर दोज हु आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ बंगाल. Now, आपको क्या करना चाहिए, मुझे जो मेरा जहां तक की इस समय जो आपके देश के अंदर अपॉर्चुनिटी है वो शायद ग्लोबल ट्रैवल में उतना आपको एकदम शुरू में फोकस करने से, क्योंकि एक तो ये जो पोस्ट कोविड एरा जो रहेगा इसमें वही बात करो, पोस्ट कोविड एरा में क्या क्या बंगाल है, बंगाल के अंदर ही इतने सारे डेस्टिनेशन, पता होगा जगह, तो आप यदि उन जगहों में, आप नॉर्थ ईस्ट में या बंगाल में ऐसे डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करें, ऐसे रिजॉर्ट्स या होटल्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे टूर गाइड्स को आइडेंटिफाई करें जहां पे आपको लगता है कि मेनस्ट्रीम ट्रैवल कंपनीज उस पे फोकस नहीं कर रही हैं. जी, दिस इज दैट आई वांट टू से राइट नाउ, दिस इज ऑफबीट डेस्टिनेशन आई कैन ट्राई माय बिजनेस. हां, सो मतलब आप एक दो तीन चार जगहों का विश्लेषण करके, आइडेंटिफाई करके, उनको स्ट्रेंथन करके, और उनको अगर आप फोकस करेंगे rather than trying to do many things at the word go, क्योंकि शुरू में बेहतर ही रहता है कि आप start small, start with a limited catalog and not क्योंकि वो चीज मत करिए जो सारी दुनिया कर रही है. जी, आइडेंटिफाई करिए कि क्या चीज है जो आप स्पेशलाइज कर सकते हैं जिसमें, एंड ट्राई टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट. मेरा और एक लास्ट सवाल है, मेरा लास्ट सवाल है, ये जो ट्रैवल बिजनेस है यहाँ पर, तो अभी एक्सेसिबिलिटी का तो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सो मेनी डिफरेंटिएबल पर्सन विद डिसेबिलिटी पीपल आर लॉट्स ऑफ ट्रैवलर, दे लव टू ट्रैवल, बट ड्यू टू इनएक्सेसिबिलिटी सो मेनी प्लेसेस आर नॉट इनएक्सेसिबल इन आवर कंट्री, सो दैट्स दे कैनॉट गो. सो तो आपको मालूम है कि धीरे धीरे बहुत चीजें बदल रही हैं. This is changing, and I guess for us to discuss as what should be there will not really take us very far. The government is trying to change things. There are private enterprises, wo bhi koshish prayas kar rahe hain. Lekin aapko jo
अपना बिजनेस फोकस करना है वो तो आपको सारी दुनिया को मद्देनजर रख के करना है। आप एक स्पेसिफिक क्लाइंट बेस को यदि फोकस करेंगे तो शायद इट यू नो इट 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 मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू। Okay, we'll go on to the next Yeah. question. Yeah. Seva Priya. Hi, can you hear me? Yes, can. Hi, Sanjay ji. It was an amazing journey. Thanks for sharing all that with us. And my question was about the hardworking nature and, trust, the values that you are sticking to that brought you this long. How are you able to impart those to your employees? How easy or difficult was it to impart those to your employees? That's a very good question. You see, my personal belief is that the environment or the culture that you create in your organization, जैसा आप व्यवहार करेंगे अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने कॉलीग्स के साथ में, तो वो एक कल्चर क्रिएट हो जाता है। और आप पाएंगे कि आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस इन योर लाइफ एज वेल। आप जैसा कल्चर एक क्रिएट करते हैं, अगर आपके घर में जैसा आप कल्चर क्रिएट करते हैं तो आपके आने वाले जनरेशंस भी उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। सिमिलरली इन अ बिजनेस एंटरप्राइज यू विल फाइंड दैट जैसा व्यवहार आप लोगों के साथ करेंगे वैसे ही व्यवहार आपके जो स्टाफ मेंबर्स हैं, आपके जो कॉलीग्स हैं, वो भी वैसा ही व्यवहार आपके कस्टमर्स के साथ करेंगे। तो कल्चर अपने आप क्रिएट हो जाता है। आई डोंट थिंक देयर इज टू मच ऑफ एफर्ट दैट यू नीड टू डू। The general belief that you must have is that everybody has good intentions in their minds, and you obviously need to put across to your teammates what the company's philosophy is, what is your what are your belief systems, and everybody will definitely follow those belief systems. All right, Ganesh has the next question. Ganesh, please go ahead. गुड इवनिंग संजय सर। गणेश सर एक बात तो समझ में आ गई कि जो आपने कहा कि इफ यू वांट टू रन समथिंग और इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन समथिंग यू हैव टू बी आपको उसमें इंटरेस्ट चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की बेसिकली। मगर मुझे ये पूछना था कि चलो ये चीजें तो हमारे पास है बट कैन वी एक्सपेरिमेंट इन दोज थिंग्स, लाइक अगर आप ट्रेवल फील्ड में हो या आप ज्वेलरी का कुछ शोरूम या जो भी हो आप खोलना चाहते हो, तो आर यू कैन यू जस्ट गो फॉर, लाइक आपने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेवल में आपको कुछ करना है तो आप गूगल पे नहीं डिपेंड रह सकते हो। तो कोई सोच सकता है कि नहीं यार मैं जाके लोगों को पूछूंगा तो दे विल लाफ एट अस, तो मैं जाके लोगों से बात करके इंफॉर्मेशन अर्न कर सकता हूँ, मैं फ़ोन करके ट्रैवल एयर कंपनी से बात कर सकता हूँ, पेपर पढ़ के वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, तो या फिर मैं कुछ ऑफर्स देके कुछ कर सकता हूँ ऐसे। कैन वी एक्सपेरिमेंट अदर थिंग्स और वी हैव टू स्टक ऑन एवरीवन इज डूइंग लाइक दैट that we have to do or we can experiment in तो that एक्सपेरिमेंट field also. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो चीज़ सब लोग कर रहे हैं अगर वही आप भी करेंगे तो देखिए कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आपको ऑब्वियसली यू हैव टू इन रोम डू एज द रोमन्स डू, लेकिन आपको अपनी जो एक पर्सनलाइज्ड जो आपका एक डिस्टिंक्ट एक अलग से आपकी पहचान तभी बनेगी अगर आप ऐसा कुछ करेंगे जो कि सब लोग नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले एक सज्जन को बताया कि जैसे अगर आप किसी इन इन द वर्ल्ड ऑफ टूरिज्म, जैसे अगर आप आइडेंटिफाई करें कुछ लोकेशंस को और फिर उन लोकेशंस के बारे में जानकारी एकत्र करके और फोकस करें, तो मे बी यू नो टूरिज्म तो है ही है बट उसके अंदर आपको एक डिस्टिंक्ट वैल्यू क्रिएट करनी है बाय स्पेशलाइजिंग इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन और दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन।
और जहां तक की बात रही कि आप जिंदगी में कभी भी झिझकिए मत, यू शुड नॉट हैव एनी थॉट प्रोसेस कि मैं यदि किसी को पूछूंगा तो शायद मुझे कोई बताएगा या नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो क्या हुआ, और बता देगा तो आपको आपका एडवांटेज है. तो इट यू शुड जस्ट ट्राई टू सीक इंफॉर्मेशन, सीक नॉलेज, एंड ट्राई टू लाइक आई सेड स्पेशलाइज. एंड ऑल्दो दिस सेशन दैट आई हैव हैड टुडे इज बीन अबाउट द एयरलाइन एंड ट्रैवल बिजनेस एज सच, बट आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड इवेलुएट वेरियस बिजनेसेस और वेरियस काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योरल यू नो वेंचर्स फील्ड्स एंड वेंचर्स बिफोर यू काइंड ऑफ डिसाइड अपॉन कि ये मैं करना चाहता हूँ जीवन में, ये बिजनेस में सेटअप करना चाहता हूँ. तो यू मस्ट एक SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो आप जो भी बिजनेस करें उसमें आप ये चार चीजें पहले आइडेंटिफाई करें, पहले आप देखें कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेसेस हैं उस फील्ड में, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और क्या थ्रेट्स हैं उस बिजनेस को. तो कोशिश करें कि ऐसा काम करें जहाँ पे जो इंटरनेट थ्रेट है वो सबसे कम हो, लॉन्जेविटी ऑफ बिजनेसेस जहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जिसमें जिन चीजों में है शायद वहाँ पे इतना आसान नहीं है टू गेट इन टू दोज बिजनेसेस, वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं. तो आइडेंटिफाई कीजिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप में क्या क्षमता है उसको, किस आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है या जो आप कोई चीज़ ऐसी ढूंढिए जो कि आपको लगता है कि आप उसमें यू कैन एक्सेल एट इट, तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर आगे बढ़ें. Okay, we have a question from Sakina Bedi. Yeah, so good evening, all of you. Am I audible? Yes, you are. Yes. Okay, so I'm speaking to you from Pune. Sanjay ji, first of all, congratulations. It was an excellent presentation and something different for all of us to hear, and you are doing a great job. So there were two specific questions I had for you. One is that I run a school for visually impaired girl children in Pune at Alandi. So I want to know, as for the benefit of my students, what could be the various career opportunities for girls who are visually impaired in the field of travel and tourism. And I would also, of course, like to invite you once all these issues are over and done with to Pune to give maybe a session to our students about this topic. But briefly, if you could just empower me on this. The second specific question I had was that a lot of us who are visually impaired ourselves and would like to travel and love to travel, have you had any experiences of planning a complete accessible travel for disabled community as such? Any couples, any people you have planned travel for? And, for example, the consideration of the visually impaired, for example, me and my husband, if we want to travel alone and in an unknown foreign country, both of us being visually impaired, would we have escorts? Would we have, I mean, have you planned So such a travel? it is not very common as you will know, but I we're understand. doing it all the time. Airlines provide assistance in terms of when you are traveling as a visually impaired traveler. The airlines will definitely provide you with some level of support in the sense that one of their staff members, like I assist George several times, will meet you, assist you with the check-in process, will kind of guide you to the aircraft, and the airlines do take care of you. It is important usually to travel. अच्छा रहता है अगर दो जने ट्रैवल कर रहे हो, because sometimes traveling alone can have its own challenges. नहीं, व्हाट अबाउट साइटसीइंग संजय जी? साइटसीइंग तो जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो लोग डेफिनेटली हर किस्म से आपको असिस्ट करते हैं. तो हर कंट्री में आजकल बिकॉज ये जो डू इट योरसेल्फ कल्चर है उसमें शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर एक टूर ऑपरेटर के माध्यम से आप ट्रैवल करती हैं, शुड टेक दी असिस्टेंस ऑफ अ टूर ऑपरेटर हु विल हैव अ
a representative meet you, take you around. Of course, there is a cost factor that would be there, but there are, in every country of the world, in every city, there are ground handlers, jinko kehte hain, local tour operators, jo ki aapko ye suvidha provide karenge. We would love to work with you someday. And I think usually I would strongly recommend that one should take a group tour for the additional level of, you know, ek to jab aap kisi group ke saath travel karte hain, to aapko not only are you, you know, with new friends or with people who will be able to provide you some level of support, also it gives you a new dimension, because kai baar ye hota hai ki for example a company hai Cosmos and Globus coach tours, to inke European coach tours hote hain, they have tours for all over the world, but they are best known for the European coach tours. To unme jo tour directors hain jo saath mein chalte hain, wo aapko kafi they give you a lot of information and details, and they also provide you with assistance. Aapke co travelers duniya jahan ke alag alag deshon se aate hain, to they give you a perspective which is very different. It's always good to travel with a group. Now coming to your school, I must commend on this spectacular work that you must be doing, imparting education to young VI students, girl students. So in today's day and age, you see the world is changing. The world is changing very, very fast. You will do great benefit to these young students if you try to orient them into technology as, because koi bhi kaam aaj ki date mein aap karte hain, any kind of business, any kind of even education today, and it is going to stay on even after COVID is long gone. This whole aaj hum log ye sab ek Zoom meeting mein, ek Zoom webinar mein we are all able to meet each other. I don't think we would have thought about this unless COVID had come. So going forward, things will be very different. I would personally recommend that you should try to teach these young girls about coding, I was recently on a webinar which NAB had conducted, and generally also you must be knowing about how the various technology companies like Google and Apple, or even the open source Linux, they are all accessibility in technology is becoming better with every passing day. And Microsoft is doing so much for bringing accessibility into the world of computing. हमें आज की जो जनरेशन है और आने वाले समय के लिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी फोकस ऑन द न्यूअर थिंग्स इन लाइफ रादर देन व्हाट यूज़ टू हैपन प्री कोविड और व्हाट यूज़ टू हैपन इन द यू नो 1990s से लेके और 2010 का जो एक दौर था, वो एक अलग दौर था. अब जो ये टेक्नोलॉजी एरा है, इसमें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी इज टॉट अबाउट द वेरियस कंप्यूटिंग और द वेरियस अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो यू मस्ट ट्राई एंड फोकस वंस दे आर अडेप्ट ऑन यूजिंग कंप्यूटर्स, नॉट ओनली जस्ट यूजिंग देम एज अ यूजर, but creating programming, coding, I think they would the entire universe of various business opportunities will be open to them. Great, thank you Sanjay. At the moment I don't see any more questions.
I think what stood out for me in this session personally was, you know, what you said about having the knowledge and having curiosity. I mean, I think growing up, one lesson that I learned very early in life and this helped me, you know, progress is that always ask, because you never know where asking takes you. That is so true. Yeah. George, are you still here? One second. George, I think, lost his connection. Yeah, I have unmuted you, George. You'll have to unmute from your end. Yeah, is Sakina still there? Sakina is still there, yeah. Yeah, so I just wanted to also, when you talked about accessible travel, for the information everybody here, I think Cox and Kings had tried to organize conducted tours, like Sanjay was suggesting, it's easier to conduct group tours. So they had conducted tours to Europe, and to the Far East some time ago, and I think Prashant Verma, who is of National Association for the Blind, he and his wife had gone on a travel in Delhi, who actually organizes accessible tours within the country. They do a lot of nature walks, they do trips to destinations. And there are a couple of other people also who are getting into this kind of accessible, inclusive travel. So it might be interesting for you to also connect with them. I travel a lot. Yeah, I personally travel a lot, and one of the things that I've noticed is, over and above what Sanjay, his company does for me in terms of making sure that I have support at every airport, I also plan my trip in such a way that I make sure that I have local support, support in each place I go to. So, that's something which I found very useful for my own travel. George, I was just trying to tell you that Cox and Kings unfortunately folded up the company. Oh, they have. Oh, okay. Yeah. And consequently, this outfit that they had started also has folded up. It is indeed sad. It was a 220-year-old company, and they don't exist anymore. But a lot of newer companies are coming up, and I'm sure. Like you rightly said, it's always best to travel as a group, and the whole backup that you can get with somebody locally available at the destination that you're visiting, that is most important. Don't go and experiment without having somebody at the other end. If you allow, can we take one last question, Sanjay? Sure. Yeah, Tiffany, please go ahead with your question. Yes, sir. I'm Tiffany Brar from Kerala, originally from northern part of India. My dad was also in the army. So another question. So I'm also blind, but sir, I experienced a lot of challenges like from the army community. So I just wanted to ask you, I think it's a personal question. We can take it offline if you don't have time. But how did you face the challenges of being an army officer's son and being losing your vision in the school setup, in the cant, because I had a bad experience. I was made fun of always, and you know, but I had some good experiences. But how did you tackle those challenges? You see, it's in any sphere of life, anywhere, you will always get the good ones and the bad ones. Just don't look at the bad ones, just look at the good ones. Only keep the good memories in your mind, and just, I think, just delete the bad ones. I had my fair share of the better ones. There were definitely and always some skeptics, some harassing, kids who would naturally, like you said, make fun of you.
but just don't think too much about them. And I think the best thing is not to react. When you, if you react, they will figure out that, you know, it hurts you. So don't just give them that impression. Of course, I'm sure you've overgrown all that now. Yes, but, I've overgrown. I'm 31. I run an NGO, but still. The best thing is to just look at the better ones. You will find all shades everywhere. Also, gender makes a difference, sir, because I, being a girl with a disability, I think what you think is right. Try to make the best of the better ones, and not think too much about the sadder parts of life. But it's really and I'm sure I think for me my time in the cantonments, the various cantonments, was very fascinating. You know, like you said, Sanjay, can you hear me? Yes, of course. Like you said earlier, that you know, you focus on what you have and not really be bogged down by what you don't have. Likewise, you celebrate the good and delete the bad, as they say. That is right. Celebrate the good and delete bad, you know, and you move on. Yeah. Any more questions, Shruti? No. But you've got a lot of comments, Sanjay, saying that they really, really like the session. They really appreciate. Well, likewise, thank you, George Abraham Hill. No. I think your story has nothing to do with George Abraham. your story is your story. Now, I would just like to kind of thank you, Sanjay, for actually agreeing to spend this time with us. I think a lot of us were inspired and motivated to think of opportunities that might be around us and we haven't really noticed it. And I think your life is quite revealing. And I think there is a lot that we have learned from your session today. So I'd like to thank you. And I would also like to tell the audience that we have an interesting guest next week. This is the first time we are announcing the guest for next week in advance in the program. There is a blind youngster who scored 98.2 in the CBSE 12th standard exam with results which was just announced. And he will be our guest next week. So do keep yourself free for Thursday, the 23rd of July, 4 p.m.